वेलकम टू इंजीनियरिंग 360 ऑफिशियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब हम इफ एल्स कंडीशन को, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट, सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, उन नंबर्स में हमने चेक करना है कि ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। तो ये एक कंडीशन है, हमने चेक करना पड़ेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए। सो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके अंदर कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब हम उसको इफ़ एल्स कंडीशन के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें यूनिवर्सिटी का एक ग्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे और स्टूडेंट के मार्क्स पे डिसाइड किया जाएगा कि उनको कौन सा ग्रेड असाइन करना है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, लाइक अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं, अंडर 50 हैं, तो उसको एफ ग्रेड दिया जाए, अबव 90 हैं उसको ए प्लस दिया जाए। तो ये सब कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम जिनमें कंडीशंस होंगी, तो उनको इफ एल्स स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले देखते हैं कि विजुअल लॉजिक के अंदर इफ एल्स कंडीशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद विजुअल स्टूडियो, विजुअल लॉजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो नंबर लेते हैं और हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो दो इनपुट्स हमारी हो गई, अब हम डिसाइड करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। अगर पहले हमें इनपुट डिक्लेयर कर देनी चाहिए, एक हमारी इनपुट ए है, एक नंबर ए होगा, एक नंबर बी होगा। अब हम डिसाइड करेंगे अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमें यही शो करवाना है कि ए ग्रेटर है या स्मॉलर। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू पे हमने आउटपुट पे क्या डिस्प्ले करवाना है, ये एक ऐसा मैसेज होता है जो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आउटपुट पे क्या डिस्प्ले करवाना है। तो डबल कोट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे, अगर ट्रू है लाइक ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमें ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट करवाना है, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इट्स मीन के बी इज ग्रेटर देन ए है, तो हमें आउटपुट पर ग्रेटर देन ए प्रिंट करवाना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम कंडीशंस को यूज़ करके, इफ एल्स को यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं विजुअल लॉजिक के अंदर। अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट के लिए हमें रन प्रेस करना है या F5 प्रेस करना है। ए इंटर किया, बी इंटर किया, तो ए 5 था, ए वाज 5 एंड बी वाज 4, सो ए इज ग्रेटर देन बी। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है जिसको हमने विजुअल लॉजिक के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इसी प्रोग्राम को सी के अंदर देखेंगे कि इसकी लॉजिक सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे होगी। आइए चलते हैं अपने सी प्रोग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है वो सी प्रोग्राम जो आपको बताएगा ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। तो लॉजिक, विजुअल लॉजिक से सी ट्रांसलेशन कैसे की हमने, आपकी यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड होगी, मेन बॉडी होगी, मेन बॉडी के अंदर आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए,
यहाँ पर आपने दो वेरिएबल्स को इनपुट करवाया, प्रिंट एफ की कमांड आपको मैसेज डिस्प्ले करवाती है, जहाँ पे हमने ए इक्वल डिस्प्ले करवा लिया है, और स्कैन एफ की जो कमांड है वो आपकी इनपुट्स लेती है, यहाँ पर हमने ए इनपुट्स दे दी है। परसेंटेज टी जो है वो ये शो कर रहा है कि आपकी जो इनपुट्स होगी वो इंटीजर में होगी, और एंड जो है ये एक एड्रेस स्पेसिफायर है, एंड ए का मतलब है कि आपने ऐसे मेमोरी लोकेशन पे जाना है जहाँ पे ए स्टोर है। तो ये एक सिंटेक्स है सी का, आपको ये लाजमी फॉलो करना होगा। यहाँ पे हमने बी इंटर करवा लिया है। अब हमने कंडीशन ये लगाई है, अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। तो सी के अंदर ये है सिंटेक्स इफ एल्स को यूज करने का। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी नंबर्स के दरमियान आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे तीन नंबर होते तो हम उसके लिए अलग से लॉजिक बनाते, लाइक ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी और सी दोनों से ग्रेटर है तब आपने यहाँ पर ए ग्रेटर प्रिंट करवाना है। तो जब नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे आपकी इफ स्टेटमेंट्स इंक्रीज होती जाएंगी, तो ये जो कंसेप्ट है ये एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।